नमस्ते होम मेकर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ। हम लोग कसूरी मेथी लगभग हर चीज़ में काम में लेते हैं, और क्या करते हैं कि बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, कढ़ी में भी डालते हैं, पराठों में डालते हैं, और भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको घर में कसूरी मेथी हम तैयार कैसे करें ये बताऊँगी। तो मेरे पास ये कसूरी मेथी है, मैं लगभग आधा किलो कसूरी मेथी हरी, इट्स नॉट कसूरी मेथी, ये हरी मेथी की पत्ती है, अभी तो ये ताज़ा है, ये लेके आई हूँ। इनमें से मैंने कचरा छांट लिया, अब मैं इसको धोऊंगी, और धोने के बाद फिर हम इसको झरने के लिए, पानी झरने के लिए रख देंगे। तो मैं पहले इसको धो देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी डाला है, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया, और आप देखिए मैंने पानी से अच्छे से इसको धोई। अब मैं इसको झरने के लिए रख देती हूँ। देखिए इसमें से पूरा पानी झर चुका है, अब मैं इसको कपड़े पे फैला देती हूँ। ये मैंने कॉटन की एक पुरानी चद्दर ली है और इस पे फैला रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको सारा फैला दिया। अब जब ये हल्की पानी से फर्की हो जाएगी, पूरी सूख जाएगी, मतलब पानी लगभग इसका इवेपोरेट हो जाएगा, तो मैं इसको चद्दर से कवर कर लूँगी। और इसको सूखने में लगभग 2 दिन लगते हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है। इसकी एक ख़ास बात ये है कि इस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, तो मैंने इसको छाया में सुखाया है और उसके बाद इसको कवर कर दूंगी। एक बार इसका पानी जो भी है थोड़ा बहुत वो इवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो जब ये सूख जाएगी तब मैं आपको बताती हूँ, फिर हम मिलते हैं। इसका पानी इवेपोरेट हो चुका है और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। देखिए मैंने इसको इसी चद्दर के आधे हिस्से से कवर कर दिया। अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मैं बीच बीच में इसको चेक करके 1-2 दिन में पूरा सूखने की प्रोसेस तक आपको सारा बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू। अब देखिए मुझे इसको सुखाए हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं, और चूंकि अब रात हो गई है तो मैंने इसको पूरा खोल दिया है। अब धूप में नहीं सुखाना, रात को तो हम पूरा खोल के इसको सुखा ही सकते हैं। अब हम कल इसके स्थिति देखेंगे। ये देखिए ये कसूरी मेथी तैयार हो गई। चूँकि सर्दी है तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए धूप में रख दिया था ताकि एकदम करारी करारी हो जाए। अब आप इसको कई महीनों तक के लिए कंटेनर में भर के रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको महीनों तक काम में ले सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।